वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के उपकरण यूको बैंक के 65 शाखाओं के 65 प्रबंधकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला पालमपुर में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य शाखा स्तर पर नव विचार का सृजन एवं विचारों का विश्लेषण करना था। इस आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य बैंक के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ साथ शाखा पर शाखा प्रबंधकों के विचार का सृजन, सामंजस्य एवं भागीदारी सुनिश्चित करना था। वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम यूको बैंक के 65 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला पालमपुर में आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शाखा स्तर पर नव विचारों का सृजन एवं विचारों का विश्लेषण करना था। इस आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य बैंकों के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ साथ शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधकों के विचारों का सृजन, सामंजस्य तथा भागीदारी सुनिश्चित करना है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिए गए त्रिआयामी परामर्श प्रक्रिया के अधीन प्रथम चरण में नरेश कुमार महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय कोलकाता की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिए गए 8 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विचारों का संकलन किया गया। शिमला में भी इस तरह से कार्यशाला का 22 से 23 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। यूको बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता के महाप्रबंधक नरेश कुमार ने कहा कि सरकार की ये योजना है कि बैंकिंग कार्य प्रणाली को जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उनको बैंक के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि बैंक को ये समस्या आ रही है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। यूको बैंक के धर्मशाला जोन के 65 शाखाओं के प्रबंधकों की कार्यशाला में सरकार के 16 बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया और सुझाव और सिफारिशें होंगी और जो भी सुझाव और सिफारिशें होंगी उनको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। यूको बैंक उप महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह कलसी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश की तरक्की के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका सीधा आधार आम आदमी से जुड़ने का है और इस तरह की कार्यशाला पूरे बैंकों द्वारा पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री को ये पता लग सके कि नीचे के स्तर पर कहां कमी आ रही है ताकि वो निर्देश दे सके और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, जिसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बैंकों को जमीनी स्तर का कार्य करने को दिया गया है और 22 अगस्त को शिमला में बैंकों की एक और बैठक होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी बैंक प्रमुखों की एक बैठक होने की भी संभावना है। आपको बताया था गवर्नमेंट का ये प्लान है कि बैंकिंग एक्टिविटीज को जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जाए। हमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उनको हम पूरी तरह लागू नहीं कर पा रहे हैं जो लेवल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये किया है, हमारे पास यहाँ पे धर्मशाला जोन में, यूको बैंक के धर्मशाला जोन में 65 ब्रांचेज हैं, 65 हमारे ब्रांच मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो गवर्नमेंट के 16 पॉइंट हैं हमने उसमें हर 5-5 ब्रांच मैनेजर का एक ग्रुप बना दिया है, वो कल से उस पर मंथन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे अब तक दिक्कत क्या आई है और उनके क्या सजेशन है, क्या रिकमेंडेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ग्रुप का प्रेजेंटेशन चल रहा है, आज शाम तक ये काम खत्म हो जाएगा और सबको जो इसकी सिफारिशें होंगी उनकी और उनके सुझाव होंगे इन स्कीम को और बेहतर तरह से लागू करने के लिए, उनको हम इकट्ठा करके कंपाइल करके और ये अपनी बैंक को भेज देंगे। वहाँ से बैंक से फिर ये सब इकट्ठा होने के बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगी। साहब ने जो हेड ऑफिस से है आज हमें ये बताया, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरे देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका सीधा कंसर्न एक आम आदमी से जुड़ने का है। तो ये सारी जो भी आज पूरे बैंक में 2 दिनों से पूरे भारत में सभी बैंकों की हो रही है, जिसमें यूको बैंक हिमाचल में अग्रणी बैंकों के आगे बढ़ के कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि प्रधानमंत्री जी को नीचे के लेवल से पता लगे कि कहाँ पर कमी रह जाती है और उसके लिए फिर वो उनमें उसी तरह से आगे निर्देश जारी करेंगे ताकि हर स्कीम का, हर जो है उनकी योजना है उसका लाभ जिस आदमी तक वो पहुँचाना चाहते हैं, जो कि आम भारत की शक्ति है, वहाँ तक पहुँचे और उसमें बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए बैंकों को ये अवसर दिया गया है ग्राउंड लेवल पे कार्य करने का।